हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो उर्फी जावेद, जो एक इंडियन मुस्लिम लड़की है, उसने पूरे पाकिस्तान और इस्लाम की खोल दिए धागे। वाह, चलो देखें क्या बोला, क्या किया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। I have openly said that I do not believe in religions, but still, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। I have never heard people saying that to terrorists. Terrorists के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा। इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक इनका इस्लाम रहता है। वो सीधी सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। बहुत सेंसिबल लोगों को, बहुत समझदार मुसलमानों को, ज्यादा ये मुसलमान आपको कन्वर्ट मिलेंगे मोहम्मद असद की तरह। दोस्तों, कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया। पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला करता इसराइल आगे? वो क्यों इंडिया को आगे लगाता है हमेशा, खुद क्यों नहीं आता? इसलिए उसको पता है कि पाकिस्तान का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो पागल आदमी, लेबनन में अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्ला को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्ला कह रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार, तुम पहले स्कूल चला जाओ, पढ़ लेते यार। दहशतगर्दी करते हैं अजमल के साहब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अफगानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। उसामा बिन लादेन मारा ही पाकिस्तानी बोल रहा है। के शहीद है उसामा बिन लादेन। अब कबूतर जा 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 का गाना अपने पहले प्यार की पहली चिट्ठी, वही करेंगे, कबूतर यूज करेंगे। यही चीज है जो नहीं फटेगी। अगर यहूदियों ने इसको भी हैक कर लिया तो आई एम नॉट श्योर। लेंगे आप लास्ट में, ये लास्ट में जो उन्होंने पुलवामा ये अटैक थी, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार ये पाकिस्तानी मीडिया ने। अजमल के साहब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के धक्के दे हमारा कर दिया। एक और नमस्कार दोस्तों, we all know that terrorists have no religion, but we also know that all terrorists are from one religion. इस्लाम में औरतों की राइट्स की क्या ही बात करें, हिजाब से लेकर तलाक, हर जगह उन्हें सप्रेस किया जाता है। रिसेंटली उर्फी जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जहां पर वो बहुत ही ब्लंट तरीके से जिहादी सोच वाले मुसलमानों को एक्सपोज कर रही है। और यही तो इस रिलीजन की खासियत है, जो नॉन मुस्लिम्स यानी काफिरों को खत्म करने की राह दिखाता है, ताकि उन्हें 72 हूरे मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, अभी इंडिया बांग्लादेश के बीच क्रिकेट चल रही है, और उसी बांग्लादेश के एक क्रिकेटर तंजिम हसन शाकिब, इन्होंने एक ट्वीट किया कि जो गैर मुसलमान हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। वो ये भी लिखते हैं कि क्योंकि एक गैर मुसलमान ने उनके देश का नेशनल एंथम लिखा है, इसीलिए वो अपना नेशनल एंथम भी नहीं गा सकते। ऐसी तो सोच है इनकी, और ये पूरे दुनिया में जाकर इस्लामोफोबिया का ढोल बजाते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, बट स्टिल, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा, इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमान होके, इसने दो चोटों के बीच में गैप कैसे हो गया? मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का, वो अपनी लड़की अपने मर्जी से कपड़े पहन रही है, पैसे कमा रही है, तुम्हारा क्या जा रहा है? ऐसा नहीं होता, जब आदमी चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में, ऐसे खुला तलाक देता, तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के यू नो शर्म आनी चाहिए, ऐसा कर रहे हो। तो उर्फी जावेद ये एक लड़की है, मुझे याद है इनकी पहले भी एक स्टोरी बनी थी, तो ये शायद बड़ी मशहूर है क्योंकि ये इनकी ड्रेसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो इसको लेके बहुत सारे लोगों, क्योंकि उनका नाम उर्फी जावेद है, इससे मुसलमान नाम है, इसे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रही है। रिलीजन को लेके लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स पॉइंट आउट, आई डोंट नो व्हाई, मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी हूँ, मुझे वो क्लर्क बनना है, मुस्लिम क्लर्क। आई हैव ओपनली सेड दैट आई क्लेरिक, मुस्लिम क्लेरिक, नॉट बिलीव इन रिलीजन, बट स्टिल, तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके। आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट। टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, इतने लोगों को मारा। वेरी गुड पॉइंट।
वेरी गुड पॉइंट, बड़ा पॉइंट है, ठिकान ठोक के मारा। और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से, बस वहीं तक इनका इस्लाम रहता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल के साहब या जितना भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते, बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हुआ कि शहीद है उसामा बिन लादेन, तालिबान जैसे लोगों ने, तुम्हारे जैसे लोग हमारे देश में भी बैठे हैं, करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा कर रखते हैं। ये वजह है कि जब कोई लड़की कपड़े पहन ले जो कि खुद कह रही है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, सारी बात है एक्स मुस्लिम है, एथियस्ट हूँ, किसी रिलीजन में बिलीव नहीं है, उसको शेम करने लग जाते हैं। कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा, कभी ये जो गंदी हरकतें रोज आए रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे होते, कभी किसी को नहीं कहा यार तुम मुसलमानों को तो शर्म नहीं आती। जब कोई नोटों से भरा हुआ बटवा वापस कर देता तब कहते थे कि इसको इस्लाम ने इतना ईमानदार बनाया, एक नंबर के दो नंबर, हर तरफ से दो नंबर, झूठे फ्रॉडी है। कल फटे पेजर, अब पता लग रहा है कि वॉकी टॉकी भी फट गया, पता लगा पेन ड्राइव भी फट गया, पता लगा कि टेलीफोन जो लैंडलाइन है जिसको आप हैक नहीं कर सकते वो भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया। इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्ला वाले हैं वो सख्ते में आ गए, वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, सोलर पैनल आ रहा नहीं है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इजराइल की सबसे इंडिया में आ रही है सोलर पैनल, यहां नहीं आ रही, पेन ड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है, जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया, हिजबुल्ला वालों को, हिजबुल्ला वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और ये डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं ये तो नहीं फट जाएगा, अगर मैं बाथरूम गया बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा कहीं वो ना फट जाए, फ्लश मार दे, मशीन का बटन दबाया पता लगा अंदर जांगिया बनी, जैसी पोटी अंदर की फटी, फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनन में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी, अगली चीज तुम फटोगे नहीं, पर ये जो उर्फी है इसके तो हमने भी एक दो वीडियोस देखे थे ना, आई वाज वेरी शॉक्ड कि कितने इनडिसेंट कपड़े ये पहनती है जस्ट टू गेन मीडिया अटेंशन, एंड वो मीडिया अटेंशन इसलिए चाहिए क्योंकि उससे इसको पैसे मिल रहे हैं, ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं। वो जो उस पर तो मैं भी एग्री नहीं करती कि इस तरह से इनडिसेंट कपड़े पहनना, पर जो वो बोल रही थी वो बिल्कुल ठीक है उसका भाई, कि तुमको मैं मेरे पीछे जो तुम पड़े रहते हो सो कॉल्ड जो भी इस्लाम के ठेकेदार जो अपने आप को मानते होंगे, तो तुमको तुम जैसे मेरे पीछे पड़ते हो तो वो जो टेररिस्ट होते हैं तो ये क्यों नहीं बोलते कि उनको शर्म आनी चाहिए कि एक मुस्लिम होके वो ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, उनको तो तुम शहीद शहीद बोलते हो, वो शहीद है उस काम को बुरा नहीं मानते। हाँ, वही तो कि वा तो तुम उस काम को बुरा नहीं मानते, या फिर तुम ये कहते हो नहीं, दो एंगल्स होते हैं कि कईयों का जिनका तो पूरा ही ब्रेन वॉश्ड हुआ हुआ है वो तो पूरे मुंह मतलब ठोक के बोल देते हैं कि ये तो शहीद है, ये तो अपने इस्लाम के लिए काम कर रहा है, और जो दूसरे जो बड़े वो धोखेबाज टाइप के होते हैं, दोगले इंसान जो और भी खतरनाक होते हैं, वो अंदर की अपने थॉट्स जो है बाहर नहीं निकालते, तब वो ये बोल देते हैं ये इस्लाम, ये जो है ये कुछ लोग ही होते हैं जो ऐसे करते हैं, इस्लाम तो ऐसे नहीं है, या कुछ उस टाइप का ना वो ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, पर उसको कंडेम नहीं करेंगे कि इस्लामिक होकर मुसलमान होकर ये ऐसा काम कैसे कर रहा है, या मुसलमान को ये तो नहीं सिखाया जाता, या हमारी बुकों में तो ये नहीं होता, इस टाइप से कुछ बोलो, तुम कंडेम करो उनको, उनकी बेइज्जती करो कि भैया ये कैसे घटिया लोग हैं, पर कभी भी आप उनको जो है ऐसे लोगों की बेइज्जती या उनको कंडेम करना आप कहीं नहीं सुनते, मैंने तो अभी तक नहीं सुना, मैंने दूसरे लोगों को जरूर कम्युनिटी के लोगों को सुना है जो एक्चुअल देशभक्त होते हैं कि इनको कंडेम करें, इनकी बेइज्जती करें, पर मैंने तो बल्कि जो मुस्लिम्स हैं मोस्टली उनको यही सुने, या तो उनको बोलते हैं शहीद था बड़ी तकलीफ, अभी एक वीडियो किया था ना हमने मेजर गौरव आर्या के साथ डिबेट का, देखना इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में ही आया है, जिसमें वो मुसलमान जो आदमी है जम्मू कश्मीर का और वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, उसको इतनी तकलीफ हुई जब मेजर ने वो जिसको मारा ठोका था टेररिस्ट को उसकी उसको कहा कि उसको तो कुत्ते की मौत में मारा है, तो उसको इतनी तकलीफ हुई, उसको कुत्ते की मौत क्यों बोला, वो तो बदतमीजी पे उतर गया था, जरूर देखना वो वाली वीडियो। तो इससे दिखता है कि इनकी मेंटालिटी कैसी है, तो ये ठीक बता रही है कि
किस टाइप का ये तुम जो है इस्लाम का रट लगाए रखते हो कि जब औरतों के ऊपर वो गलत काम करते हैं या तीन तलाक जो गलत कर रहे हैं, इक्वालिटी नहीं दे रहे औरतों को, तब तो तुम्हें कुछ नहीं दिखता। तो पॉइंट यही था कि वॉट एवर इट इज, उनके वहाँ पे एक ही फिलॉसफी है कि अगर उनके रिलीजन के लिए कोई काम करता है, कुछ ही करता है, रिलीजन को आगे बढ़ाता है, दे आर फाइन, चाहे वो गलत हो, चाहे वो गलत हो, दे डोंट केयर, कुछ भी करे वो सब ठीक है उनके लिए। तो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए कि भैया अब इनमें हिम्मत है। अब जैसे ये है, एक वो दूसरी क्या नाम था उसका, खान कौन है, नाजिया खान, वो भी इन्हीं लोगों को आके अगेंस्ट बोलना चाहिए ताकि इन लोगों की पोलें खुले। ऐसे जो घटिया सोच वाले हैं और अपने अमेंडमेंट्स लाएं, बेटर करें अपने रिलीजन को, और बोल ये जब बोलेंगे ना तब इनको अक्ल आएगी, नहीं तो ये सोचते दूसरा कोई बोले तो ये तो हो जाते हैं शुरू, कोई और रिलीजन का कुछ बोले तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। और पता है क्या करते हैं ये लोग, तो चलो यार अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।